स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग गुड। तो मु हेमंत तुम समस्त को स्वागत करुची डेली अफेयर्स यूट्यूब चैनल को। जदि ये चैनल को तुम प्रथम थर पर देखु तेल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एवं या पूर्व जदि देखी मो चैनल को आसीच ताहले निहाति भाव में भिडियो को लास्ट पर्यंत देख आउ निज सांग मानको शेयर करो। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड like all things bright and beautiful, the solitary reaper, from the formalin jar and village song, and finally we are going to finish our poems, and this is the last poem of class 10 English book, the flower school. Okay, here you can see the flower school. आउ आज हम आलोचना करबा द फ्लावर स्कूल या को लिखि छथि डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर जहां को विश्व कवि बोली मध्य कहा जाए एवं पूरा सहज भाषा रे मु बुझेबि तुम मानन को ओडिया भाषा रे पूरा प्योर भाव रे। चलन तो आउ को बढ़िबा प्रथमे जेहेतु हमें पोएम पढ़ुछु तो लेट्स नो अबाउट द पोएट। सो दिस इज रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर। ही वाज बोर्न इन 1861 and he died in 1941. He was born in Kolkata on 7th May 1861. 7 May 1861 मसीहारे तांकर जन्म होइतिला कोलकाता रे। कोलकाता वर्तमान तमे जानि पारुथबो कोलकाता होची हमर पश्चिम बंगाल राजधानी। He was a great poet, जने कवि, painter, जने चित्रकर, patriot, देशभक्ति एवं playwright, जन अनेक से अनेक गुड़े नाटक मध्य लिखिछंती। नोवेलिस्ट, जन औपन्यासिक, स्टोरी टेलर, से अनेक गुड़े कहानी मध्य कहंती। तापर फिलोसोफर, से जन हेले दार्शनिक, एंड एजुकेशनिस्ट, जन शिक्षा। द कॉमन थीम इन हिज राइटिंग इज नेचर। सो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन मेनी ऑफ हिज पोएम्स। तांकर अनेक गुड़े काव्य कविता रे आमे देखिबा को पाइबा से प्रकृति विषय वर्णना कर। लाइक इन द प्रीवियस क्लास वी सॉ विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, एंड वी नो इट वेरी वेल दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृति रा पूजक बोली विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाए। आम ओडिया साहित्य में आम प्रकृति कवि गंगाधर मेहर को जानी थो। ठीक से ही भली जमी गंगाधर मेहर को साहित्य कृति में मान प्रकृति निच्छक प्रतिच्छवि आम देखा पाई थाउ। ठीक से ही भली रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य लेखारे आमे प्रकृति को देखि पारिबा। इट इज ऑल्सो द इनर वॉइस ऑफ हिज पोएट्री, एवं वास्तव रे तांकर अनेक गुडी कविता रे प्रकृति ठीक भाव रे जणा बा जल जल भाव रे दिसु थाए। ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। तांकर गीतांजलि काव्य पई से प्रथम थरो पई एशिया रे बा एशिया रो प्रथम व्यक्ति जी के कौन पाई नोबेल प्राइज पाई 1913 मसीह नोबेल प्राइज पाई। और प्रश्न आसी पारे व्हेन डिड ही गेट द नोबेल प्राइज, सो आवर आंसर विल बी ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। ए गीतांजलि काव्य रे अनेक गुडी कविता मध्ये अनेक गुडी कविता स्थानित होई छि। ही इज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड म्यूजिक। आर्ट एंड म्यूजिक पाई तांको बहुत भलो भाव रे जानिथु आमे से जने कलाकार एवं जन संगीतज्ञ मध्य। तो आम आग को बढ़िया पोएम विषय पोएम रे कौन लिखा है से विषय जानवा। अबाउट द पोएम, दिस पोएम वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ द ऑथर्स डिसीज्ड मदर रिलेटिंग टू फ्लावर्स। तो पिला माने मु आगर कहिदेवी जे एही कविता रे आमे देखिबा को पाइबा कवि तांकर दिवंगत माँ को स्मृति रे कविता टी लिखिछंती। तो प्राय जिनिस सेठार तांको माँ को रिलेट करिके कहिछंती। ठीक अछि, तेणु करे जेते बेले भी आमे कविता पढ़िबा ताको ठीक से बुझिबा पई चेष्टा करिवो, तांको माँ को सहित रिलेट करबा को कोशिश करिवो। इन दिस पोएम द स्पीकर इज एक्साइटेडली वाचिंग द मनसून रेन एंड नोटिसिंग स्मॉल फ्लावर्स दैट हैव ब्लूम्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो यही कविता रे कौन है ना जिते बेले मौसुमी वायु आसी मौसुमी आसी वर्षा है मौसुमी समय जो मौसुमी वर्षा होता है जून मास रे कविता को बहुत ध्यान सहकार देखुं से अनुमान कर किसी समय पर दिन दु दिन पर कौन होती ना छोट छोट फूल मैंने फुटिकी बाहर को आसुँच। तो यार कवि कहते वंडर्स से आश्चर्य होती
where they had been all the year round. तो ये जो छोट छोट पुष्प माने बा ए जो पुष्प सुंदर सुंदर फूल माने जो हठात प्रस्फुटित हेले माने थिले कोठे रे दिन पर्यंत काहेकि से माने ग्रीष्म ऋतु रे किंबा शीत ऋतु रे एते परिमाण प्रस्फुटित न होई वर्षा ऋतु रे मौसमी वर्षा हेला परे काहेकि प्रस्फुटित हे कविंक मन रे प्रश्न उंकी मारुछि ठीक अछि सो हियर द पोएट गेट सरप्राइज्ड वेयर वेयर दिस फ्लावर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड व्हाई डिड दे अराइज टुडे सेमान आज काहेकि उठिले व्हाई डिड दे कम आउट टुडे सेमान आज काहेकि आसिले Such questions are arising in the mind of the poet. Okay, so he imagines they must have been in school like just like him. Okay, so a random idea entered into the mind of the poet, and he imagined. So kalpana koruchanti je the flowers also must have been in school just like him. Je bhuli bhavare mu gote vidyalayare paduchi ebong vidyalaya chuti hela pare mu ghar ku ase thik sehi bhaliya kon hoichi nai फूल माने मध्ये तांकर गोटे विद्यालय अछि एवं किछ समय समाने विद्यालय रे रहंती एवं समय हेले समाने बाहर को आसी जाहंती इट वाज इन द माइंड ऑफ द पोएट ओके द स्पीकर वंडर्स व्हाई द प्रीटी फ्लावर्स आर सो ईगर टू कम आउट एंड प्ले एठारे पुणे स्पीकर अर्थ होछि पोएट पोएट पुणे एठारे आश्चर्य होइछंती जे काहे के ए सुंदर सुंदर फूल गुडी को बाहर को आसी खेलिया पई एते व्यग्र होय व्हाई आर द सो ईगर तो पिलामाने तो मानक मध्य जो मैंने हॉस्टल रे पढ़ुच जो मैंने प्राइवेट स्कूल रे पढ़ुच मैंने हॉस्टल रे रहिके पढ़ुच से माने जानी पारु थिवो जे जेबे भी हॉस्टल छुट्टी हुए हॉस्टल छुट्टी हेला पर आमे कोन करै थाउ घर को आसी थाउ ठीक अछि एवं से जो एक्साइटमेंट आमे मुहरे देखिबा को मिलि थाए तमे जानी पारु थिवो जे मां रो खाद्य टिके मिलनता आमे खानता ठीक अछि तो ठीक सही बोलिया तो कवि मध्य एठारे कहउछन जे काहे के ए सुंदर फूल गुड़ी को माने वर्षा ऋतु आसिले बाहर को आसंती एवं प्रस्फुटित होंती से माने खेलंती से माने निजरो खेलकूद करंती ही कंक्लूड्स दैट दे टू नीड द वार्मथ एंड लव ऑफ देयर मदर तो एही फूलगुड़ी को मध्य से मानकर मां रो आवश्यकता रहिछ मां रो स्नेह रो आवश्यकता से मानन को मध्य रहिछ तेनु कर से माने एवला कार्य करंती पिला माने हमें आगो को बढ़िबा ए कविता को देखिबा एर अनेक गुड़े मीनिंग अच्छे तो यठार मुझे किसी इम्पोर्टाट मीनिंग सब लिखिदेसी तुम देखि तो रंबल ए जो वार्ड मान भर यूज हम रंबल सावर्स ओके तो ये सब अच्छी रंबल हूँ ओदालिया सरी मस्ट हूँ ओदालिया सावर्स झिपझिप वर्षा हवाटा हाँ एक दीर्घ ध्वनि मानने कौन रंबल किसी गोटे जिन आउ गोटे जिन सहित तो बाड़े हेले कौन होता है ध्वनि होता है तो आम कौन कौच रंबल हाँ आट ए जगह हिट रर्थ हूँ गरम कि जगार हिट अच्छे पे ध्यान दि एच ए टी एच अच्छे हिट रर्थ हूँ खोला घास पड़िया एंड ओपेन एरिया और एंड ओपेन ग्रासी एरिया ठीक अच्छे तो अच्छी लार्ज ओपेन एरिया अफ विल्ड अनफार्म लैंड तो गोटे अनफार्म अणकर्षित चाष न कर गोटे भूमि कवर्ड विथ रफ ग्रास जो घास अच्छी किसी गुल्म घास अच्छी कंटक पूर्ण होते पारे एंड अदर स्मल वाइल्ड प्लांट्स एवं अन्य अन्य गुड़िक कौन अच्छे अन्य जंगली प्लांट्स गुड़िक अच्छे लाइक बम्बू ओके बैक पाइप्स इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझ तुमको तार फोटो देखे दूसरी बैक पाइप्स ओके ये तुम देखा पाइब बैक पाइप्स कौन अच्छी एक सेकेंड जस्ट सेकेंड ठीक अच्छे ये हूँ बैक पाइप्स पे ये हूँ बैक पाइप्स गोटे कौन प्ले ये हूँ गोटे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये हूँ गोटे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जोठे आम या फुंकिला देखा पड़ा दिस मैन इज ब्लोइंग ओके ये फुंकुची ये कौन हम ये मानते विभिन्न प्रकार गोटे नुआ शब्द सृष्टि हाँ ठीक अच्छे तो बेपाई हूँ गोटे कौन पे बाद्य जंत्र आउ कौन आम देखा पाचे बेकपाइप्स इन वाइल्ड ग्ली हैप्पीली खुशी इन ए भेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी वे बहुत खुशी ठीक अच्छे मास्टर मास्टर मैंने पे ये अर्थ शिक्षक क्लास ये क्लास अर्थ हो हेयर हिट अगेन्स्ट वन एंड अदर जने आउ जने को सहित बाड़े हवा जमीक यहाँ गोटे उद्भिद अच्छी गच अच्छी जिते बर्षा हुए ये गच आसिक आउ गोटे गचर कौन हाँ बाड़े हाँ यहाँ आम कौन कौच क्लास सीएलएसएच क्लास कितु सीएलएसएस क्लास मान पे श्रेणी तुम जो श्रेणी में पढ़ुच यार स्पेलींग कौन हम सीएलएसएस क्लास ठीक अच्छे रसल रसल मान कौन पे खस खस हवा ठीक अच्छे तो पत्र गुड़िक कौन होता है खस खस होता है जो शब्द को आम कौन कह खस खस रसल बोल कहू मैक ए साउंड ऑफ लिप्स मूविंग और रबिंग टुगेदर जिते बेले
ବର୍ଷା ବା ଏସବୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପତ୍ର ମାନେ ଆବାଜ କରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଇଥାଏ ଘଷି ହେଇଥାଏ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆବାଜ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଖସ ଖସ ଯେଉଁ ଆବାଜ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରସଲ ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ଜାଇଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବିଶାଳ ବଡ ଭେରି ଲାର୍ଜ ଓକେ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଧ୍ୱନି ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଧ୍ୱନି ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୁଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଦେବା ଏଠାରେ ଏଇ ଫଟୋ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ରସଲ ସେ ରସଲ କହୁଛି ଆମର ରମ୍ବଲ ସ୍କାଏ ଦେଖୁଛେ ସ୍କାଏରେ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ କହିଥାଏ ଏଟାକୁ ବିଜୁଳି ଠିକ ଅଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ରମ୍ବଲ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ସାବର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଇଛି ହୁଏନ୍ ହୁଏନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ରମ୍ବଲ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ସାବର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଝଡ଼ ଜନିତ ମେଘ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆବାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ବର୍ଷା ହୁଏ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଝଡ଼ ଜନିତ ମାନେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ନାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦ ମୋଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କମ୍ସ ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦ ହିଟ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦ ବେମ୍ବୋସ୍ ଠିକ ଅଛି। ତ ମୋଇଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ଓଦାଳିଆ ମୋଇଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଦାଳିଆ ବା ୱେଟ୍ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ୱେଟ୍ ବା ଓଦାଳିଆ ପୂର୍ବୀ ବାୟୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ସେ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥାଏ ବହିଥାଏ ଏବଂ ବହିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସେଇ ବମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିଥାଏ। ତ ଏହି ବମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଭେରି ବା ଯୋଉ ଭେରି ବାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବାଜିଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ମନେ କର ଏଠାରେ ବମ୍ବୁ ଗଛ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୋରରେ କ'ଣ ହଉଛି ପିଲେ ବାୟୁ ବହୁଛି। ତ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଏଇ ବମ୍ବୁ ଗଛ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ବା ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଦେଇ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ଲାଉଡ୍ ଝଡ଼ ଜନିତ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବୀ ବାୟୁ ସେ ଘୋଳା ଖୋଲା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ବମ୍ବୁ ବା ବାଉଁଶ ବୁଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆମକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ବା ପ୍ରକୃତି ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବଜାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଭଳି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ନୋବଡି ନୋଜ୍ ହୁଏର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି। ଦ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ହଠାତ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡେନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡେନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ପିଲେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ନୋବଡି ନୋଜ୍ ହୁଏର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେଠାରେ ବା ଖୋଲା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି ମାନେ ହ୍ୟାପିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ଲି ଠିକ ଅଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲିର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହ୍ୟାପିଲି। ତ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସେମାନେ ସେ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବମ୍ବୁ ବଗିଚା ଦେଇ ବା ବମ୍ବୁ ବୁଦା ଦେଇ ବା ବାଉଁଶ ବୁଦା ଦେଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ରେ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ସୋ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ୱି ଗଟ୍ ଟୁ ନୋ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରସ୍ In a nutshell, if I will say you, then here the poet has depicted the nature in such a way that it is
mesmerizing our heart. Okay, let's move to stanza 2. Mother, I really think the flowers go to school underground. मु आरंभर तो मानुको कहितिले पिले जे एठारे कवि तांकर दिवंगत मांको स्मृति स्मृतिचारण करी करी ए कविताटी लेखिछन्ती. तो एठारे कवि निजर मांको कहछन्ती तांकर मां ओ ए दुनिया रे नहंती यहधामरे नहंती से इहलीला त्याग करी सरलेनी. तो एठारे कवि तांकर मांको कहछन्ती मदर मां I really think the flowers go to school underground. मां मते लागे ए फूलमानकर मध्य ए भूपृष्ठ तले गोटे कौन अच्छे ना विद्यालय अच्छे एंड दे डू देयर लेसन्स विथ डोर शट एवं ए फूल गुड़िक कबाट को बंद करके सेमाने ए भूगर्भ तले कौन करती ना पाठ करती एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज टाइम तो समय पूर्व जदि सेमाने बाहर को आसिबा पाए चाहंती ताहिले देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन ए कौन सेमानकर शिक्षक ए फूलो मानंकु बा से फूलो मानंकु गोटे धाड़ी रे ठिया करे कोन करंती ना दंड दियंती व्हेन द रेन्स कम दे हैव देयर हॉलीडेज एवं मते लागे जते बेले वर्षा ऋतु हुए से मानकर छुट्टी हुए एवं से माने आसीकरी ए पृथ्वी ऊपर कोन करंती ना प्रस्फुटित होंती इधर कवितांकर मांकु कोन करछंती कहछंती दे मदर आई थिंक द फ्लावर्स आल्सो हैव स्कूल लाइक मी मो भलिया फुलमानक मध्य विद्यालय अछि एंड दे गो टू देयर स्कूल एंड देयर स्कूल इज लोकेटेड अंडर ग्राउंड सेमानकर विद्यालय टि कोठरे अछि ना अंडरग्राउंड रे ता भूपृष्ठ तले अछि एंड दे डू देयर लेसन्स विथ शटिंग देयर डोर सेमानकर कबाट को सेमाने बंद के पाठ करंती एंड इफ दे वांट टू कम टू द इफ दे वांट टू कम आउट देन देयर टीचर्स before their time then their teachers stand them in a corner okay and I think the rainy season is their holy day to barsha rutu semanko pai kono semanankar holy day ba chuti dina thik achi it was the stanza 2 let's move to stanza 3 branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind The thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. Branches clasp together in the forest and the leaves rustle in the wild wind. तो से जो कौन हुई थे? बायु जो प्रचंड बायु प्रवाहित हुई थे, से बायु रे कौन हुई थे? ना वृक्ष गुड़ी करो, डालो गुड़ी को परस्पर सहित बाड़े हुई थांती. ठीक अछि तो जेते बेले जोर रे वायु प्रवाहित होय थाए वाइल्ड वाइन बोली कहां कहां की कहा जाय छे वाइल्ड रो अर्थ पिले दुष्ट किंतु एठारे वायु को दुष्ट बोली कहा जबार कारण कोन जे वायु निजर स्वाभाविक बेगरो अधिका बेगरो से प्रवाहित होउछि तो बहुत जोर रो वायु बा प्रचंड वायु ठारे कोन होछि प्रवाहित होउछि जो द्वारा कि वृक्ष गुड़ी कर डालो गुड़ी को परस्पर सहित बाड़े होछंती ओके एंड द लीव्स रसल इन द वाइल्ड विंड एवं गछर पत्र गुड़ी को से वायु रे परस्पर सहित घर्षण है आगुटे फुल आगुटे पत्र सहित घर्षण है गुटे खस खस आवाज सृष्टि करछनी जहा को हम रसल बोली करी कहउछ ठीक अछि द थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स एवं आकाश रे देखा जाउथबा से घण घड़ी सहित होउथबा जो मेघ गुड़ी को से माने निजर विराट काय हाथ रे से माने कोन करछनी ताली मारुछंती एंड द फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट इन ड्रेसेस ऑफ पिंक एंड येलो एंड व्हाइट एवं ए फूल रूपी पिला माने पिंक बा गोलापी हलदिया एवं धला कलर धला रंगर वस्त्र परिधान करी से माने बहुत शीघ्र शीघ्र कोठे गासी अछंती ना धरा पृष्ठ को आसुछंती एटा कवि कहिछंती तो देखिबा को आमे एठारे जानिबा को पाइले जे कवि एठारे नुआ जिस्टे करछंती ना कोन से अ हमरो सॉरी कोन कहबा को चाहतिले The leaves rustle in the wild wind, the thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out. हाँ, तो इधर फूलों को से पीला मान को सेट तो लो ना, पर इन्द फूलों रूपी पीला माने. The flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. तो विभिन्न रंगों का फूला माने प्रस्फुटित हो, वंती जितेले बरसा रहे तो, ठीक हो ची. तो let's move to stanza 4. कोई इधर तंको माँ को कुछ प्रश्न पूछा चंती. Do you know, mother? माँ तुम्हें जानी चो? Their home is in the sky, where the stars are. से मानों करो घरों आकाश वाले अच्छी, जो उठारे तारा माने अच्छा नहीं. माँ तुम्हें जानी चो? से मानों करो घरों क्यों उठी अच्छी?
ना सेमानंकर घर आकाश अछि जोंठारे तारा माने रहंती हैव नॉट यू सीन हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर मतमे केबे देखि ना हो कि सेमाने केते व्यग्र तांको मांको पाखकु जीवा पई डोंट यू नो व्हाई दे आर इन सच ए हरी तुमे जाना ना हो कि सेमाने काहे केते शीघ्रतर होंती ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू हुम दे रेज देयर आर्म्स दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन सेमाने काहे से तांकर से जो भुज बा तांकर हात को तांकर बाहु को काहे के ऊर्ध्वाभिमुखी करंती सेरा मते भलो भाबरे जणा आछि मु अनुभव करि पारु छि मु गेस करि पारु छि जे मोर जेमिति मा अछि तांकर मध्य मा अछि ठीक अछि एवं जेमिति मु मो मा पाख को जीवा पई मोर बाहु को उर्धाभिमुखी करु छि ठीक सेमाने मध्य तांकर मा पाख को जीवा पई बहुत तरबर होउ छथि ठीक अछि तो इति अवसर रे ये थिला हमर द फ्लावर स्कूल पोएम And here you can see the poet has described nature largely. इठारे आमे देखिवा को पाउछे जे कवि प्रकृति को विशाल माने विस्तृत भावरे वर्णना करिछंती एवं आउ कोन आमे संदेश देबा पई चाहछंती लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स एंड गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स व्हाट इज द पोएम अबाउट ए कविता टे क्यों विषय रे अछि द पोएम इज अबाउट द नेचर एंड ब्लॉसम ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो वर्षा ऋतु रे जो फूल प्रस्फुटित होता है एवं प्रकृति विषय रे फूलटा कोन है इस पोएम टा कोन है वर्णना करा जाय छे द पोएम इज अबाउट द नेचर प्रकृति विषय रे वर्णना करा जाय छे एंड द ब्लूजम ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो वर्षा ऋतु रे किभली भाव रे फूल माने प्रस्फुटित होइथांती एवं काहे के से माने हां किभली प्रस्फुटित से विषय रे वर्णना करा जाय छे व्हाट रंबल्स इन द स्काई आकाश रे कोन गर्जन करी थाई स्टॉर्म क्लाउड्स झड़ा जनित मेघ कौन करती आकाश रे नाद करती व्हाट कम्स मार्चिंग ओवर द हिट द मोइस्ट ईस्ट विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हिट तो से जो खोला घास पड़िया दे कौन जाए थे कौन मार्च करी थे ना मोइस्ट बा ओदालिया पूर्वी वायु व्हिच वर टेल्स दैट द ईस्ट विंड इज नॉट ड्राई तो क्यों शब्द कहूँ जे से जो पूर्वी वायु बा पूर्वी पवन ड्राए नुहे बा सुखा तो द वर्ड मॉइस्ट एक्सप्रेसेस सो मॉइस्ट अर्थ वेट तो ड्राए रो ऑपोजिट हला पले एठारे मॉइस्ट बा वेट ओके हाउ डज द मॉइस्ट ईस्ट विंड कम तो ए ओदालिया पूर्वी वायु की भली आसे इट कम्स विथ इट्स बैक पाइप्स ब्लोइंग अमंग द बैम्बूस तो बाउंस मध्य दे प्रवाहित होई थे एवं तार कोण करे थे ना भेरी बाउंस मध्य दे भेरी बजाई से प्रवाहित होई थे हाउ डू द क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट द क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑल ऑफ अ सडन तो ए क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स किभली भाव आसी थांदे ऑल ऑफ अ सडन से माने हठात आसी थांदे वेयर डू द फ्लावर्स डांस एंड हाउ फूल माने केउठारे डांस करंती एवं किपरि द फ्लावर्स डांस अपन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली प्ले हैप्पीली एक्साइटिंगली एक्साइटेडली सॉरी हैप्पीली बहुत खुशी रे ठीक अछि व्हिच सीजन इज डिस्क्राइब इन द पोएम इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन वर्षा ऋतु विषय रे वर्णना करै छि वेयर आर द फ्लावर्स ऑल द ईयर राउंड तो फूल गुड़ी को सारा वर्ष तमाम केउठारे रहितांते They stay beneath the soil. भूमि तले बा भूपृष्ठ तले से माने रहिथांते. Who are the flowers compared to? फूल को कहाँ से तुलना कराई थी? They are compared to the school children. इधर फूल को school children से इधर कौन करा जाए थी? तुलना करा जाए थी. जस्ट सेकंड पिटा मैंने हाउ डू दे डू देयर लेसन्स व्हाई तो फूल माने की परे सामने पाठ कर दे डू देयर लेसन्स इन द अंडरग्राउंड ड्यू टू देयर मास्टर्स स्टिकनेट्स हाउ डू देयर लेसन्स दे डू देयर लेसन्स इन द अंडरग्राउंड ड्यू टू their masters strictness
सॉरी इधर किसी भूल रही थी हु डज देयर मास्टर रेफर टू तांकर मास्टर अर्थ कोन इधर मास्टर अर्थ की हियर देयर मास्टर रेफर्स टू द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट इधर देयर मास्टर अर्थ होची वा सेमनकर शिक्षक अर्थ होची सेमनकर शिक्षक की अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट पृथ्वी एवं तार प्रकृति हला एमानकर कोन पिले शिक्षक कहारो फुलर कारण जेते बेले प्रकृतिर समय न होइथिबो एवं फूल फुटिबो ताले ताकु सेभरी किछ परमिशन दिया जीवो ना ठीक अछि तो देयर मास्टर माने पृथ्वी सेमानकु समय अनुसार बाहर को आनि थाय एवं समय अनुसार भितरे रखि थाय अच्छा पिला माने आमे जदि खरा दिने वर्षा हवा पई कहिबा ताले हि परिबो कि सेरा प्रकृति विरुद्ध एवं पृथ्वी मध्ये ताकु अलाउ करे ना ठीक अछि आउ जदि हां देयर मास्टर इज स्ट्रिक्ट और लेनिएंट सेमानक शिक्षक स्ट्रिक्ट ना लेनिएंट लेनिएंट अर्थ पिले कोन लेनिएंट अर्थ होची माने ठीक है सिंपल ठीक अछि व्हिच लाइन इन द पोएम टेल्स अस सो यस देयर मास्टर इज सो स्ट्रिक्ट सेमानक शिक्षक बहुत कोन पिले स्ट्रिक्ट व्हेन आर दे मेड टू स्टैंड इन ए कॉर्नर केते बेले सेमानक गोटे कोनर ठिया कराय दे आर मेड टू स्टैंड इन ए कॉर्नर बिफोर द रेनी सीजन तो वर्षा ऋतु पूर्व सेमानक कोन कोठी ठिया कराय थाय ना लाइन रे बा कोनरे ठिया करा जाय व्हेन डू द फ्लावर्स हैव देयर हॉलीडेज दे एन्जॉय देयर हॉलीडेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो फूल माने वर्षा ऋतु रे तांकर छुट्टी दिन को कोन करथांती मनाई व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द नेचर व्हेन द रेन कम्स जितेले वर्षा हुए प्रकृति रे क्यों क्यों परिवर्तन देखबा को मिलिथे When rain comes, black clouds can be seen. Gust of wind can be felt. So, trees are loaded with green leaves and flowers bloom all over. अनेक गुड़े हाँ वृक्ष माने बहुत सबुज पत्र रहती हुए फूल सब जगह फूल प्रस्फुटित होते हुए branches clash together in the forest. जंगल रही थे वर्षा हुए सेते बेले वृक्षर डाल माने परस्पर सहित बाड़े हुए थे and the leaves rustle in the wild wind. एवं वृक्षर पत्र गुड़िक से प्रचंड वायु कौन कर खस खस शब्द सृष्टि कर परस्पर सहित से हाउ डू द फ्लावर चिल्ड्रेन एंजॉय देयर हॉलीडेज यही फूल रूपी पिला माने कि भाव से छुट्टी दिन को उपभोग कर दे वेयर देयर न्यू ड्रेसेस ऑफ व्हाइट येलो एंड पिंक कलर एंड डांसेस विद द टच ऑफ द विंड एंड रेन दे वेयर देयर न्यू ड्रेसेस ऑफ व्हाइट येलो एंड पिंक कलर से माने व्हाइट येलो और पिंक कलर विभिन्न रंग कौन कर पोशाक पिंधि था डांस विद द टच ऑफ द विंड एंड रेन वर्षा और वायु प्रकृति उपर कौन नाची था हु इज द स्पीकर शेयरिंग हिज थॉट्स विथ हियर द स्पीकर इज शेयरिंग हिज थॉट्स विथ हिज डिसीज्ड मदर एठार स्पीकर अर्थ किए पिले कवि पोएट एवं तांकर से थॉट्स को कहा सहित सेयार करछंती तांकर दिवंगत मां को सहित से सेयार करछंती बा तांको सहित तांको से कहू छंती व्हेयर इज द होम ऑफ द फ्लावर चिल्ड्रन ए फ्लावर चिल्ड्रन मनकर घर केउठी इज इन द स्काई पिला माने एठी आउ अनेक गुडी प्रश्न अछि तमे देखिनियो तो आशा करू छी वीडियो समस्त को बहुत भल लागथिबो जदी भल लागिला तहले निहाते होरे लाइक करो कमेंट करो आउ निजरो संग मान को एटा शेयर करो आउ पुणि थे कहबी मो चैनल डेली अफेयर्स को सब्सक्राइब करो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच